हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द राइटर इज विक्टर कैनिंग। जो भी चैप्टर आप करो तो चैप्टर का नेम एंड राइटर्स नेम आपको जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ये दोनों चीजें लर्न किया करो। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी स्टोरी हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या एक मेन कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी, जो कि लगभग 50 इयर्स ओल्ड है। हॉरेस डेनबी लगभग 50 साल के हैं, ये अनमैरिड है, मतलब इसकी शादी नहीं हुई है। और काम क्या करते हैं, जैसे सबको काम करना पड़ता है तो काम क्या करती है, लॉक मेकिंग का काम है, मतलब ताले बनाने की इनकी एक तरह से आप कंपनी कह सकते हो, फैक्ट्री कह सकते हो। इन्होंने अपना गैराज खोला हुआ जिसमें ताले बनाते हैं, ये इनका प्रोफेशन है जिससे इनकी कमाई होती है। और ताले बनाने में भी ये सक्सेसफुल है, मतलब इनका बिजनेस है जिसमें इसने जो है दो हेल्पर भी रखे हुए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितने हेल्पर्स इसने रख रखे हैं, तो हॉरिस डेनबी ने दो हेल्पर्स रख रखे, इसका मतलब दो आदमियों को ये सैलरी दे रहा है, तो ठीक ठाक इसकी इनकम है। जो हॉरिस डेनबी है इनको शौक है किस चीज का, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का, मतलब इनको जो शौकीन है ये किस चीज के शौकीन है, बहुत महंगी जो किताबें आती हैं और बहुत कम जो मिलती है, मतलब रेयर जो होती हैं और बहुत महंगी किताबें। अब महंगी किताबें पढ़ेंगे तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, तो इसलिए ये क्या करता है हॉरेस डेनबी, हर साल एक तिजोरी लूटता है। हर साल एक तिजोरी लूट के, सिर्फ एक ही तिजोरी लूट ला, इसलिए ये टिपिकल थीप है। तो एक ही लूटता है तो पकड़ा भी नहीं जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखता है, ये प्लानिंग बना के काम करता है। इस बार वो क्या करता है कि शॉट ओवर गैरेंस को सोचता है कि भाई मैं इस मकान को जो है लूटूंगा, यहाँ पे तिजोरी लूटने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे क्यों लूटता है, क्योंकि एक मैगजीन में एक आर्टिकल आया हुआ था, उस आर्टिकल को पढ़ के ये सोचता है कि भाई मैं उसमें इस मकान की सेफ के बारे में, तिजोरी के बारे में कितनी प्रॉपर्टी है वो लिख रखा था। तो इसने स्टडी करके सोचा कि भाई मैं अगर ये लूट लेता हूं तो इस बार मेरी जो है 1 साल का गुजारा आराम से हो जाएगा। लेकिन जब भी ये लूटता था तो हमेशा ऑलवेज वियर ग्लोव, हमेशा ही ये ग्लव्स पहनता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब ये शॉट ओवर गैरेंज में गया तो वहां पर जब ये तिजोरी लूटने का अपना काम कर रहा था तो वहां पर फ्लावर्स रखे हुए थे, और उन फ्लावर्स से इसको है हे फीवर। हे फीवर होता है जो कि मतलब एक तरह से एलर्जी, मतलब जिसको कई बार फूलों से या गंदी हवा से एलर्जी हो जाती, तो इसको एलर्जी थी फूलों के कारण। जैसे छींक मारता है तो वहां पे एक औरत आ जाती है जिसने कि रेड ड्रेस पहनी हुई है, ये भी चोर ही है, ये भी एक थीप ही है। तो लेकिन ये अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब ये सोचता है कि भाई मालकिन आ गई है, इससे गलती क्या होगी। यहाँ पर इस चैप्टर में ये सब कुछ स्टडी करता है उस मकान के बारे में, कैसे उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, कहाँ पर सेफ रखी है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ चाबियां मिलेंगी, क्या कुत्ते का नाम है इस चैप्टर में, जो उनका डॉगी है उसका क्या नाम है। लेकिन ये एक गलती कर जाता है, इसके जो असली ओनर हैं घर के उनकी पिक्चर नहीं देखता, उनको नहीं पता करता कि किस उम्र के हैं, कितने बड़े हैं। तो जैसे ये औरत आती है, ये भी थीफ है, लेकिन ये औरत ऐसे दिखाती है जैसे मैं घर की मालकिन हूं, तो ये जो हॉरिस डेनबी है ये कंफ्यूज हो जाता है और अपने ग्लव्स निकाल के इस औरत को, ये औरत कहती है कि मुझे इस सेफ में से जो है ज्वेल्स और जो भी इसके ऑर्नामेंट्स है, मतलब जो गहने वगैरह है वो निकाल के दो। तो ये ग्लव्स निकाल के उस सेफ को तोड़ के इस औरत को जो है गहने वगैरह इस लेडी को दे देता है, जिसके कारण इसके फिंगरप्रिंट्स जो है हर जगह आ जाते हैं और ये औरत तो बच जाती है लेकिन ये पकड़ा जाता है और इसको जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह काम करना पड़ता है, मतलब इसको जेल हो जाती है, सजा हो जाती है। तो ये चैप्टर की मेन मेन स्टोरी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज हॉरेस डेनबी डिस्क्राइब्ड एज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। क्योंकि हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड पर्सन, बहुत अच्छा आदमी था। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाने का काम करता था। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। अब उसका जो काम था वो भी बहुत अच्छा चला हुआ था, क्योंकि मैंने अभी बताया उसने दो हेल्पर भी रख रखे थे। ही हैड एंगेज्ड टू हेल्पर्स इन हिज बिजनेस। अब जिसका काम अच्छा है वही नौकर को सैलरी दे सकता है, इसने दो हेल्पर्स भी रखे हुए थे। बट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन हम उसे ईमानदार नहीं कह सकते पूरी तरह से। क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर।
क्योंकि वो हर साल एक तिजोरी लूटता था। लूट चाहे वो कैसी करता हो, ये जब लूट ही लिया तो ऑनेस्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा आदमी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही रोब एवरी ईयर, हर साल क्यों लूटता था वो? वाज ही ए टिपिकल थीफ, क्या वो एक खास प्रकार का चोर था? इफ सो व्हाई, अगर ऐसा है तो क्यों? हॉरेस लव्ड रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, जो हॉरेस डैनबी थे उनको जो है किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता, और किताबें भी कौन सी? रेयर एंड एक्सपेंसिव, मतलब जो बहुत दुर्लभ है, कहीं कहीं मिलती हैं, और जो बहुत महंगी हैं, वो किताबें पढ़ने का शौक था। शो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो एक तिजोरी लूटता था हर साल टू बाय दीज बुक्स, ताकि इन किताबों को खरीद सके। ही वॉज ए टिपिकल थिंग, वो एक टिपिकल खास प्रकार का चोर था, ऐसा नहीं है कि जब मन किया लूट लिया, वो सिर्फ एक ही तिजोरी लूटता था तो टिपिकल थीप हो गया। बिकॉज ही रॉब्ड ओनली वन सेफ एवरी ईयर, टिपिकल थीप क्यों है? क्योंकि हर साल केवल एक ही तिजोरी लूटता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डिड होरेस डैनबी रोब एवरी ईयर, एक साल में कितने बार लूटता था वो तिजोरी? व्हाट डिड ही डू विद द लूट, और उस लूट के माल के साथ वो क्या करता था? एवरी ईयर ही ब्रेक्स ए सेफ, हर साल वो एक सेफ को लूटता था। विद दिस मनी ही बाय बुक्स, और इस पैसे के साथ वो किताबें खरीदता, ही बायस बुक, किताबें खरीदता था। द स्टोलन मनी लास्ट फॉर 12 मंथ, अब जो चुराया हुआ पैसा था वो 12 महीने के लिए चल जाता था, मतलब इतना पैसा चुरा लेता था ये कि जितनी भी किताबें चाहता था उन किताबों को खरीद सके। देन ही स्टील्स अगेन द नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल ये फिर से चोरी कर लेता था अगले साल की किताबें लेने के लिए। मतलब देखो, चोर भी पढ़ने वाला था, इसको भी पता था कि पढ़ने मतलब पढ़ने में इसे मजा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल होरेस टू गेट द ज्वेल्स, कौन सी कहानी लेडी ने होरेस को सुनाई वो ज्वेल लेने के लिए, मतलब वो गहने लेने के लिए, हीरे मोती लेने के लिए? द कौन सी लेडी? जो मतलब दूसरी चोर ही थी उसने। द यंग लेडी टोल्ड हॉरिस दैट, उस लेडी ने हॉरिस को ये बताया कि सी हैड कम देयर टू टेक द ज्वेल्स, पर वो यहाँ पर ये गहने लेने के लिए आई थी फ्रॉम द सेफ तिजोरी से। सी सेड दैट, उसने ये भी कहा, सी हैड टू वियर दैम, कि भई ये उसे पहनने थे दैट नाइट इन ए पार्टी, एक आज की रात पार्टी में। सी मेड एन एक्सक्यूज ऑफ फॉरगेटिंग द नंबर टू ओपन द सेफ, लेकिन वो एक बहाना बना देती है कि भई मैं भूल गई द नंबर, उस नंबर को, टू ओपन द सेफ, जिससे सेफ को खोलना है। मतलब ये लेडी कहती है कि भाई सेफ तो हमारी है बट मैं इसका नंबर भूल गई हूँ। सो सी कंपेल्ड हॉरेस टू ब्रेक ओपन द सेफ, इसीलिए वो हॉरेस को बाध्य करती है, कंपेल्ड का मतलब इसको मजबूर कर देती है, इसको बाध्य करती है टू ब्रेक ओपन द सेफ, कि टू ब्रेक ओपन का मतलब तोड़ देना उस तिजोरी को, के ताले को तोड़ दे फॉर हर उसके लिए। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं करता है, सी वुड टेल द पुलिस एवरीथिंग अबाउट हिम, वो पुलिस को उसके बारे में हर बात बता देती कि भाई ये चोर है और यहाँ चोरी करने के लिए आया, इस प्रकार से वो पकड़ा जाएगा। अगर वो गहने दे देता है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टोरी डिड हॉरेस टेल द पुलिस व्हेन ही वाज अरेस्टेड, अब हॉरेस को जब पकड़ लिया गया तो उसने पुलिस को क्या कहानी सुनाई? ही टोल्ड द पुलिस दैट ही हैड नॉट स्टोलन एनी ज्वेल्स, उसने पुलिस को कहा कि भाई मैंने कोई गहने नहीं चुराए हैं। He said that, उसने ये भी कहा कि he broke open the safe for the young wife of the owner, वे उसने तिजोरी जरूर तोड़ी थी, लेकिन जो मालिक है उसकी यंग वाइफ के लिए, मतलब वो जो जवान औरत थी उसके लिए उसने तिजोरी तोड़ी थी, उस घर का जो मालिक है उसी ने कहा था तिजोरी तोड़ने के लिए। बट द वाइफ वॉज हर सेल्फ एन ओल्ड लेडी ऑफ अबाउट 60 विद ग्रे हेयर, लेकिन जो वाइफ थी यानी कि उस घर की जो मालकिन थी वो क्या थी? एक बूढ़ी लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो हर साल, वो तो खुद एक बूढ़ी लेडी थी ऑफ अबाउट 60, लगभग 60 साल की, विद ग्रे हेयर, सफेद बाल थे उसके। ग्रे हेयर का मतलब होता है सफेद बाल। सो नन बिलीव दिस स्टोरी, इसीलिए किसी ने भी उसकी स्टोरी के ऊपर विश्वास नहीं किया। ग्रे हेयर का मतलब सफेद बाल, बिलीव्ड का मतलब विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस कहानी में रियल कल्प्रिट कौन है, मतलब वास्तविक जो अपराधी है, वास्तविक जो चोर है वो कौन है? द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द लेडी, तो वास्तविक इसमें चोर है वो कौन है? लेडी है। रियल कल्प्रिट मतलब जो गुनाहगार है इस स्टोरी में वो कौन है?
वो लेडी थी हूँ डेनबी मीट्स इन शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जिसमें जहाँ डेनबी जो है जिससे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में मिला था, मतलब वो जो लाल ड्रेस पहने हुए लेडी आई थी वो रियल कल्प्रिट है, असली गुनहगार वही है। सी पोजेस हिम बिफोर हिम, उसने अपने आप को उसके सामने ऐसे दिखाया टू बी द लैंड लेडी कि भी मैं इस घर की मालकिन हूँ। डेनबी इज बिफूल्ड, डेनबी जो था वो मूर्ख बन गया, उससे उसकी बातों में आ गया। ही ब्रेक्स द सेफ और उसने उस सेफ को तोड़ दिया। एंड स्कॉट द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द लेडी थीफ होम डेनबी मेट इन शॉर्ट ओवर ग्रैंड, मतलब वास्तविक गुनहगार वो लेडी थी जिससे वो मिला था और उसने क्या दिखाया उसके सामने कि भाई मैं इस घर की मालकिन हूँ, और डेनबी जो है उससे पागल बन गया या उसकी बातों में आ गया और उसने तिजोरी तोड़ दी और इस प्रकार से वो पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल थी बट वेंट रॉन्ग वेन ही अटेम्प्टेड टू रॉब शॉर्ट ओवर ग्रेंज, भाई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, काफी सालों से वो हर साल तिजोरी तोड़ता था, कभी भी नहीं पकड़ा गया था, तो अब की बार क्या ऐसा गलत हुआ कि वो पकड़ा गया। डेनबी वॉज ए वेरी सक्सेसफुल थी, बहुत सफल चोर था वो। ही ऑलवेज यूज ग्लव्स वाइल ब्रेकिंग ए सेफ, हमेशा दस्ताने पहनता था, ग्लव्स का मतलब दस्ताने, हाथों में दस्ताने पहनता था जब भी वो सेफ को तोड़ता था। ही नेवर लेफ्ट एनी फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड, अब दस्ताने हैं तो उसकी उंगलियों के निशान कहीं भी नहीं रहेंगे, तो फिंगरप्रिंट्स कहीं पीछे वो नहीं छोड़ता था। दिस टाइम ही डिड नॉट गैदर इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, लेकिन इस बार उससे गलती क्या हुई कि उसने जो है सही इंफॉर्मेशन इनफ जो जितनी जरूरी होती है सूचना वो इकट्ठी नहीं की। गैदर का मतलब इकट्ठा करना, इनफ मतलब काफी इंफॉर्मेशन सूचना किसके बारे में, अबाउट रियल ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस, घर के जो असली मालिक थे, जो घर में असली रहने वाले लोग थे उनके बारे में इसने इंफॉर्मेशन नहीं ली। ही गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, उसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की अबाउट द ट्रैक्स, भाई क्या रास्ते हैं, वायरिंग कहाँ कहाँ से तार गई हुई है, मतलब जैसे लोग वो होता है ना अलार्म बोलता है, अलार्म की क्या वायरिंग है, गार्डन्स बगीचे के रास्ते, सर्वेंट्स नौकर कौन कौन है, इवन द डॉग्स नेम, यहाँ तक कि उसने कुत्ते का नाम भी पता था, मतलब सारी चीजें पता थी लेकिन जो असली चीज थी कि भाई घर का आदमी कौन कौन है वो नहीं पता था। बट ही स्टिल फॉरगॉट, लेकिन वो फिर भी भूल गया टू ओवरलुक द आइडेंटिटीज ऑफ द हाउस ओनर, मतलब घर के जो मालिक हैं उनके आइडेंटिटीज उनकी पहचान उसे नहीं पता थी। अच्छा इससे गलती भी नहीं कह सकते, इसने पहचान इसलिए भी नहीं की क्योंकि वो वहां रहते नहीं थे, जो घर के असली मालिक थे वो काफी दिनों के लिए लंदन चले गए थे, इसे लगा कि भाई वो चले गए हैं यहाँ से तो आएंगे नहीं, इसलिए इसने इनकी इंफॉर्मेशन भी नहीं ली होगी। वंस ही गॉट इनटू ए प्रॉब्लम, और जैसे ही वो समस्या में पड़ा, यानी कि वो रेड ड्रेस पहने जैसे ही वो लेडी आई उस समस्या में, उसने देखा कि भाई तो फंस गया है। ही कुड नॉट इवन थिंक प्रॉपरली, उसने सोचा भी नहीं ढंग से कि भाई ये लेडी अगर मालकिन होती तो हाय तोबा मचाती और तुझे पीटती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ही कुड नॉट थिंक प्रॉपरली एंड केयरलेसली, और उसने बड़ी ही लापरवाही से ओपन द सेफ, तिजोरी को खोल दिया एंड टस्ट मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीजों को जो है छू दिया इन द रूम जो कमरे में रखी हुई थी, विदाउट वियरिंग हिज ग्लव्स, बिना अपने दस्ताने पहने। दिस हैपेंड रॉन्ग विद हिम, ये उसके साथ गलत हुआ इस बार। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कैसे लगी कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, लाइक भी जरूर कर देना ताकि ये वीडियो जो है और ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।